Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mr. Muhammad Idris, physics lecturer, Uswa Cadet College, Udihal. This is a virtual classroom of first year physics. This is because of due to spread of coronavirus, and there are holidays, and in order to facilitate and minimize the educational loss of our student and to engage and to prepare them for the student for their examination. So we started virtual classes, virtual live class. So dear students, now we start our lesson. Yesterday we did three question chart question of your chapter 2. Now we start from the question chart question number 4. So chart question is, if chart question number 4, if one of the rectangular components of a vector is not zero, can its magnitude be zero? Explain. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि आपके पास किसी वेक्टर का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो जीरो नहीं है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है? इसकी एक्सप्लेन करें. तो डेफिनेटली एक जो वेक्टर होता है वो दो कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है मिनिमम. यानी आपके पास अगर टू डायमेंशन में वैक्टर है तो उसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा. थ्री है तो थ्री डायमेंशन में तो उसका डेफिनेटली z कंपोनेंट भी होगा. अब क्योंकि इसमें सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है वो आप पास टू डायमेंशन में, यानी उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है. तो ये सपोज हमारे पास एक वेक्टर a है, तो ए एक्स उसका x कंपोनेंट है, ए वाई उसका y कंपोनेंट है. तो कहते हैं ए कंपोनेंट जो है, सपोज ए एक्स कंपोनेंट हमने सपोज किया कि वो जीरो है, तो क्या उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा? ये डेफिनेटली बिल्कुल जीरो नहीं होगा. वजह क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला देखें स्क्रीन पे, मेरा कर्सर साथ मूव करें. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज इट्स फार्मूला इज ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. तो ये हमारे पास का फार्मूला है. हमने सपोज फर्ज किया है कि हमारा x कंपोनेंट क्या है, जीरो है. सो वी इंसर्टेड द वैल्यू ऑफ x व्हिच इज अ जीरो एंड ए y कंपोनेंट इज देयर. क्योंकि x कंपोनेंट जीरो हो गया लेकिन y कंपोनेंट जीरो तो नहीं है, सो इसका मैग्नीट्यूड का जीरो तो नहीं हो सकता. तो जीरो तभी हो सकता है जब इसके दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो, इन दोनों कंपोनेंट्स क्या जीरो हो, तभी उसी केस में क्या होगा आपके पास होगा. अगर एक कंपोनेंट कोई भी, अगर एक्स कंपोनेंट जीरो हो या ओनली वाई कंपोनेंट क्या हो, जीरो हो, तो ओवरऑल इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता. जीरो की बात जी डियर स्टूडेंट्स. ओके जी, एनी क्वेश्चन? ओके, क्लियर, थैंक यू. और अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अ कैन अ वेक्टर हैव अ कंपोनेंट ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड. तो यानी कि क्या कोई वेक्टर जो है उसका कोई कंपोनेंट जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये आपके पास क्वेश्चन है. कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड. उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा नहीं हो सकता कोई भी कंपोनेंट. वजह क्या है? जो मैग्नीट्यूड है इट इज द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट. जितने भी कंपोनेंट होंगे उसके सम करके मैग्नीट्यूड आएगा. लिहाजा ये पॉसिबल ही नहीं है किसी एक वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का कोई एक कंपोनेंट जो है उसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता. क्योंकि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी आपके पास जितने भी आपके पास है मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी हमारे पास वो आपके पास का इक्वल हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट कैन बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सो इट इज नॉट पॉसिबल दैट इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी
greater than magnitude of its vector. Next question, dear students, हमारे पास है question number short question number 6. That is, can the magnitude of vector have a negative value? क्या कोई भी जो vector है उसकी value negative हो सकती है या नहीं हो सकती? तो dear students, जैसा कि हम theory में study कर चुके हैं, it is not possible. Magnitude can never be negative. So, लिहाजा ये possible ही नहीं है कि किसी भी vector का magnitude क्या हो, negative हो. वैसे भी वेक्टर सेट के आम लाइफ में भी क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव. जब आप किसी भी शॉप पे जाए उसे कहें कि -100 रुपीज की शुगर दे दो, इट इज पॉसिबल. जब भी आप -100 रुपीज कहेंगे वो कहेगा लजाने से क्या हो गया, ये -100 रुपीज की बात कर रहे हैं. लिहाजा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता जी. तो ये आपके पास है मैग्नीट्यूड का फार्मूला जो है वेक्टर का, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट. अगर किसी जो है नेगेटिव साइन साथ लगा हुआ है तो वेक्टर के साथ, तो वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता. तो ये डियर स्टूडेंट, इसमें ए एक्स एंड ए वाई जो है ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं. तो जब इनके स्क्वायर लिए जाते हैं तो कहते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी हो तो उसको वो पॉजिटिव कर देता है जी. तो सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो ये आपके पास इसका लॉजिक है, क्योंकि ए एक्स कंपोनेंट देखें इसके ऊपर स्केयर है फार्मूला में, इस तरह ए वाई कंपोनेंट है इसके ऊपर देखें स्केयर है. अगर आपके पास कोई नेगेटिव नंबर है उसकी कोई स्केयर लें वो भी क्या होगा, स्केयर ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो आपका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं हो सकता. डियर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया जी? हसन एनी क्वेश्चन, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज गोइंग ऑन, दैट इज अ प्लस बी इज इक्वल टू 0. इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स. यानी कहते हैं कि आप पास दो वेक्टर उनका सम क्या है, इक्वल टू 0 है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे. तो डेफिनेटली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, तो इसको दूसरी साइड पे लेके आए तो ये आप पास क्या है, माइनस आ गया जी. इसका मतलब क्या है, वेक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स, अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में लिखते हैं, देखिए ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो दूसरी साइड पे हमने इसकी वैल्यू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में पुट कर दी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, तो इसको ओपन किया माइनस साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहता है इनके कोफिशियंट कंपेयर करने से पता चलता है कि आपके पास कंपेयरिंग द कोफिशियंट, हमने कोफिशियंट कंपेयर किए, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स एंड ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई. कहता है इससे हमें पता चल रहा है कि कंपोनेंट ऑफ बोथ वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन जी. कहते हैं कि दो वैक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, और इसका मतलब यह है कि आप वैक्टर दूसरी साइड पर लेके आएंगे नेगेटिव साइन होगा, तो इससे पता चलेगा कि ये दो ए और बी वेक्टर ये मैग्नीट्यूड में क्या इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. तो इसका ये मतलब है जी, ए प्लस बी वेक्टर इक्वल 0 है, तो हम कह सकते हैं कि इनके जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है. ये हमारे पास क्या हो गए हैं, इसमें इसका ये मतलब है जी. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 8 आ रहे हैं, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चन. Under what circumstances would a vector have components that are equal in magnitude? तो कहते हैं जी कौन से conditions के तहत, circumstances के तहत किसी भी vector के components equal हो सकते हैं, तो वो circumstances बता दें. तो कहते हैं जी कोई भी जो vector होता है उसके have equal magnitude, its component of any vector have equal magnitudes if they make an angle of 45 degree with the x-axis जी. यानी कहते हैं किसी भी vector के जो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड हैं वो इक्वल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, जब उनका 45 डिग्री के एंगल एक्स एक्सिस के साथ बने, तो उस सूरत में क्या होगा, आपके पास इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे. तो ये नीचे देखें आपके पास ए एक्स इक्वल ए कॉस 45 है, इसको देखो हमने ओपन के सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू 0.707 है ये. एंड सेकेंड आप देखें ए वाई इक्वल ए साइन 45, तो ये आपके पास 0.707, तो ये हमारे पास क्या है,
इसमें वैल्यूज इंसर्ट किए, कैलकुलेट किया, तो हमारे पास के दोनों ए एक्स की वैल्यू भी सेम है और ए वाई की वैल्यू भी सेम है। लिहाजा अगर कोई भी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है उसके इक्वल मैग्नीट्यूड उसी वक्त पॉसिबल है जब वो क्या करे लॉन्ग एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री के एंगल बनाए। उस केस में क्या होगा, इस वेक्टर के कंपोनेंट जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 9, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। तो कहते हैं जी कि हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्या कोई किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो नो, इट्स आंसर इज नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। जी कहते हैं कि इसका आंसर नो है कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी में ऐड नहीं कर सकते। बिकॉज रीजन क्या है, कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर कैन बी एडेड। शाबाश जी, कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ वही क्वांटिटी आपस में ऐड कर सकते हैं जिनकी नेचर क्या हो, सेम हो। डिफरेंट क्वांटिटीज आपस में ऐड नहीं हो सकती। इन डिफरेंट क्वांटिटीज से मुराद ये है कि जिनकी नेचर क्या है डिफरेंट हो, उनको आपस में ऐड नहीं कर सकते। जैसे स्केलर क्वांटिटी 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये स्केलर है, इनके साथ और कोई नेचर नहीं है, यानी सेम नेचर है, यानी मैग्नीट्यूड चाहिए साथ पर्टिकुलर यूनिट्स चाहिए, तो सेम नेचर है, इनको हम ऐड कर सकते हैं। जबकि वेक्टर में क्या होता है, एडिशनल चीज जो है वो डायरेक्शन आ जाती है। लिहाजा अगर हम स्केलर ले लें और एक क्वांटिटी हम स्केलर लें और दूसरी क्वांटिटी अगर हम एज ए वेक्टर ले लें, तो कहते हैं कि दोनों में डिफरेंस है जी। स्केलर क्वांटिटी की नेचर और है, वेक्टर क्वांटिटी की नेचर क्या है और है ड्यू टू डायरेक्शन। तो क्योंकि डायरेक्शन क्या है, पहले की डायरेक्शन ही नहीं है स्केलर की, वेक्टर की डायरेक्शन है, लिहाजा ये आपस में इनकी नेचर डिफरेंट है, लिहाजा ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। सो इसका मतलब ये है कि वेक्टर कैन नेवर बी वेक्टर्स कैन नेवर बी एडेड, कैन नॉट बी एडेड टू अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट नेचर जी। सो इनकी नेचर डिफरेंट हो जाने की वजह से किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी में या किसी स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्केलर और वेक्टर क्या है, ये दो डिफरेंट हैं। ठीक है, स्केलर को स्केलर के तहत ऐड करते हैं, स्केलर को स्केलर के तरीके से ऐड करते हैं, और वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के तहत हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं जी। तो सो लिहाजा इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 इज, कैन यू ऐड जीरो टू आर नल वेक्टर? क्या हम ऐड कर सकते हैं जीरो को नल वेक्टर में? जी नहीं कर सकते। वजह क्या है कि जीरो कैन नॉट बी एडेड टू अ नल वेक्टर। व्हाई? बिकॉज जीरो इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि नल वेक्टर इट इज अ वेक्टर। सो बोथ क्वांटिटी, जीरो इज अ स्केलर एंड नल वेक्टर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ हैव अ डिफरेंट नेचर, सो दे कैन नॉट बी एडेड टू ईच अदर। तो ये क्योंकि जीरो आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, जबकि नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड नहीं कर सकते। वजह क्या है, इनकी नेचर डिफरेंट है, सिर्फ सेम नेचर वाली फिजिकल क्वांटिटी आपस में ही ऐड की जा सकती है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 11 आ रहा है, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी जीरो? एक्सप्लेन। कहते हैं दो वेक्टर, ठीक है, जिनका अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या उनका सम जो है वो जीरो हो सकता है? इसको एक्सप्लेन कर दें। तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता जी, यानी कि दो अनइक्वल मैग्नीट्यूड अगर हम ऐड करें, दो वेक्टर जिनके अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, तो उनको ऐड करें तो उनका सम जीरो नहीं हो सकता। फॉर जीरो सम के लिए क्या करना होगा, आपको दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो उनको आप ऐड करेंगे, उनको आप यूटिलाइज करेंगे, तब आपके पास क्या होगा अनइक्वल मैग्नीट्यूड, तब उनका सम क्या होगा, जीरो होगा जी। द सम ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल मैग्नीट्यूड कांट बी जीरो, यानी उनका मैग्नीट्यूड क्या जीरो नहीं हो सकता। द सम ऑफ टू वेक्टर्स विल बी जीरो ओनली व्हेन देयर मैग्नीट्यूड हैव इक्वल
मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन ली, यानी दो वेक्टर जो है जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो कहता है उनका सम जीरो नहीं हो सकता। वजह क्या है, क्योंकि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल करना है, उनका सम अगर आपने इक्वल करना, जीरो करना है, इक्वल टू जीरो करना है, तो कहता है उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी क्या हो, अपोजिट हो, तो इसी केस में क्या हो सकता है, वो आपस में जीरो हो सकते हैं। क्लियर हो गए डियर स्टूडेंट जी, एनी क्वेश्चन अप टू नाउ? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्वेश्चन नंबर 12 शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। जी कहता है जी दो वेक्टर जिनका सम नहीं आपके पास क्या है बताना है, शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर, यानी दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उनका सम और डिफरेंस ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर टू एंड ऑफ सेम लेंथ, यानी क्या वो दोनों का सम करके दो वेक्टर इक्वल है इन मैग्नीट्यूड, उनका सम और डिफरेंस करने के बाद क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं, ये आपके पास क्वेश्चन है जी। कहते हैं इस पर्पस के लिए आपने क्या किया कि दो वेक्टर लिए, फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हमने दो वेक्टर लिए जी, तो कहते हैं दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ बोथ द वेक्टर्स व्हिच आर गिवन बाय आर एंड आर डैश जी। तो हमारे पास क्या दो वेक्टर लिए, म्यूट कर दें जी अपना माइक ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें देखें ये डायग्राम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो इस डायग्राम में हमारे पास ये मेरा कर्सर इस डायग्राम पर कहते हैं एक आपके पास ये ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास ये देखें अपवर्ड बी वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है एक जितना है, सेम मैग्नीट्यूड, ये ए वेक्टर देन हेड टू टेल ये बी वेक्टर एंड देन हमने देन हमारे पास ये बी वेक्टर हेड टू टेल होता है और ये देखिए हमने हेड टू टेल यूज करते हुए हमने ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा किया दैट इज आर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी हमने दो इक्वल वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया यहाँ पर ऐड कर दिए। अब आगे क्या है जी, हमने इस बी वेक्टर को अब माइनस किया है, डिफरेंस यानी किया है, ये ए वेक्टर है जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना हो उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, ये देखें बी वेक्टर हमने सब्ट्रैक्ट करना था, पहले इसकी डायरेक्शन अपवर्ड थी, अब यहाँ पे क्या होगी इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी है। अब हम क्या करें यहाँ इसके बाद सेकंड स्टेप होता है टू टेल लगाना और रिजल्टेंट लेना जी, तो ये हमारे पास ए वेक्टर ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर बी हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसकी डायरेक्शन चेंज की और साथ ये देखिए हमने रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लगा दिए हमारे पास डायग्राम है। अब यहाँ आ जाए तो इधर देखें इसकी जो इक्वेशन है आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर में अलांग एक्स एक्सिस है और बी प्लस बी ये मीन ये इसका अलांग वाई एक्सिस है एंड देन ए माइनस बी ए आई माइनस बी जे। अब कहते हैं कि हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है तो इसका फार्मूला ये आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट एंड देन आपके पास डिफरेंस वाले वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ये फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास। अब आप देखें क्वेश्चन वन या टू में देखें यहाँ पर तो इनकी राइट साइड आपस में क्या इक्वल है जी, तो कहते हैं फ्रॉम वन टू इक्वेशन कहते हैं कि आपके पास सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड हैव सेम लेंथ जी। कहते हैं कि इक्वेशन वन और टू में से देखें दोनों सम ऑफ वेक्टर्स हैं या पास डिफरेंस ऑफ वेक्टर हैं दोनों के जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर है, दोनों इक्वेशन जो है राइट साइड ऑफ इक्वेशन वन एंड टू बोथ आर इक्वल, कहते हैं फिर क्या होगा ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे जी। तो ये देखें अगर हम आर डॉट इन दोनों का हमने क्या लिए डॉट प्रोडक्ट लिए ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लें तो ये देखें हमने वैल्यू इसमें क्या किया इंसर्ट की है, हमारे पास क्या आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर आ गया जी। और आप देखें जो इक्वेशन वन और टू से ये देखें दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आपस में सेम है जी, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड बोथ आर इक्वल जी। तो सो हमने इसको जब मल्टीप्लाई किया इसको वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या है
ये चीज आई है और इसमें दोनों के मैग्नीट्यूड क्योंकि सेम है, तो लिहाजा आपके पास ये क्या आ गया, जीरो आ गया जी। सो इससे पता चला हमारे पास इनका सम लेने के बाद देखा है कि इनका डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद भी क्या आ गया, इनका सम इक्वल टू जीरो आ गया। इट्स मीन दैट कि ये आपके पास के परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो आपने डॉट प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स में, अगर आपके पास दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो वेक्टर्स क्या होते हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ भी आप पास देखें, इधर आपके पास आंसर जीरो है, सो ये दोनों आपके पास वेक्टर्स क्या है, आफ्टर सम भी क्या है, ये परपेंडिकुलर है। लेरो के बाद डियर स्टूडेंट्स, सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन दे कैन आस्क इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 13 आया, क्वेश्चन 13 में देखें के क्वेश्चन 13 में कहते हो वुड द टू वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू द वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। कहते हैं जी के हमारे पास जो वेक्टर्स को कंबाइन किया जाए, कहते हैं ए और बी वेक्टर है, कहते हैं इनको इस तरह ऐड करें कि आपके पास उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए, इन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए। यानी ये आपके पास ए वेक्टर है, दूसरे के बी वेक्टर है। कहते हैं कि वेक्टर्स की ओरिएंटेशन इस तरह लें कि उन जो वेक्टर्स आपस में ऐड किए हैं उनका भी सेम मैग्नीट्यूड है और उनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो जाए। तो कहते हैं ये किस ओरिएंटेशन में वेक्टर लगाने पड़ेंगे, तो ये क्वेश्चन की बात हो रही है जी। तो अब आप देखें, कहते हैं कि हमने दो वेक्टर लिए सेम मैग्नीट्यूड के, ठीक है जी। ये देखें हमने दो वेक्टर्स ले लिए ए और बी, कहते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड है। कहते हैं अगर हम वेक्टर्स को आपस में 120 डिग्री के एंगल से लगाएं तो क्या होगा, आपके पास सेम रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी जो रिजल्टेंट आएगा उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। वैसे तो आप डियर स्टूडेंट्स देखें आपने हेड टू टेल रूल यूज किया था, तो उसमें देखें कि जो रिजल्टेंट होता है इट हैज ऑलवेज ग्रेटर इफेक्ट एज कंपेयर टू द वेक्टर व्हिच आर एडेड। क्लियरों की बात, कहते हैं कि यहाँ आप ओरिएंटेशन बता दें किस एंगल से, तो ये आप देखें यहाँ पर 120 डिग्री है, इधर अंदर कितने 60 डिग्री जी। कहते हैं यहाँ 60 डिग्री एंगल है, यहाँ 60 डिग्री एंगल है और इधर भी क्या 60 डिग्री एंगल है, टोटल क्या होगा 180 हो गया जी। कहते हैं ये एक किस्म क्या बन गए, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। कहते हैं यहाँ इसकी सारी साइडें तकरीबन क्या हो गई है, सेम आ गई है। तो ये वो कंडीशन हमारी पूरी हो गई है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड देन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कहते हैं इनकी ओरिएंटेशन ऐसी बनानी थी कि उसका रिजल्टेंट भी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। कहते हैं उसके लिए हमें क्या होगा, हर तरफ 120 डिग्री एंगल की ओरिएंटेशन रखनी पड़ेगी। ये देखें इसके साथ 120 डिग्री के एंगल है, यहाँ अगर आप इधर आप करते हैं तो यहाँ भी इधर आप देखें 120 डिग्री के एंगल है, और अगर मैं इस लाइन को इधर आगे बढ़ा दूं तो यहाँ से इस तरह इसको यूं ड्रा करूं, ये अंदर कितना बन जाएगा 60 डिग्री बाकी बच जाएगा। यानी हमने 120 डिग्री का एंगल की ओरिएंटेशन हर तरफ लगा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पास जो दो वेक्टर ऐड करते हैं उनका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। तो कंडीशन क्या थी, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर यानी इस तरह उनकी ओरिएंटेशन बनानी और ऐड करना हेड टू टेल रूल के तहत कि उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाए, इन वेक्टर ए और बी के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। वो सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल है जब इनकी ओरिएंटेशन हर वक्त क्या हो, 120 डिग्री हो जी। क्लियर होगी बात जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? नो सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। वेल डन हसन। यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो आप शक पूछ सकते हैं, पूछना समझ आए तो आपने क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि वरना फायदा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, बाकी आपके दोस्त नहीं आए, एनी हो आज क्योंकि आज ऑफलाइन है मोस्टली, आज आपकी क्लास क्योंकि शेड्यूल में फिजिक्स की क्लास नहीं थी तो इसलिए टाइट शेड्यूल था। उससे पहले फिजिक्स सेकंड ईयर की क्लासेस चल रही थी, तो अब मैंने कहा कि ये बड़ा अच्छा हमारे पास सिस्टम है क्योंकि ये हमें फायदा दे रहा है, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि अब क्लास मिस हो। चले कोई बात नहीं, आप क्लास सकते ना फर्स्ट टाइम ही, तो मेरा फर्स्ट टाइम भी सारे आ जाते हैं जी। तो मैंने मैसेज सबको सेंड किया था, यानी हो किसी वजह से शायद सो गए हों या ना देखा हो किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, चले हम इसकी वीडियो बन रही है।
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज टू वेक्टर्स द टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव अ मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द दोज व्हिच गिवन बिलो एंड टेल व्हाई इट इज ओनली द वन ऑफ थ्री इज करेक्ट यानी कहते हैं कि आप पास दो वेक्टर्स को ऐड किया गया है कंबाइंड किया गया है तो आपके पास 60 न्यूटन है ठीक है जी आपके पास टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड है मैग्नीट्यूड ऑफ 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन है दो वेक्टर कंबाइन करके जो किया गया उनका मैग्नीट्यूड क्या है 60 न्यूटन है और 35 न्यूटन है कहते हैं इसमें से करेक्ट आंसर बताएं कि कौन सा आंसर ठीक है तो इसमें आप देखें तो एक आपके पास 100 न्यूटन है और दूसरा आपके पास क्या है 70 न्यूटन है तीसरा आपके पास क्या है 20 न्यूटन है कहते हैं जी करेक्ट आंसर वो क्या कह रहा है 70 न्यूटन है तो कहते हैं जी के वजह क्या उसने बताई कहते हैं दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है अगर हम दोनों को ऐड करें तो कहते हैं जी द टू वेक्टर्स द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड व्हेन दे आर एक्ट इन द सेम डायरेक्शन कहते हैं कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम होता है सेम डायरेक्शन होने की वजह से अगर हम बोथ वेक्टर्स को पैरेलल ले ले कहते हैं उनका मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए रिजल्टेंट का वो ऐड करें 60 न्यूटन प्लस क्या 35 न्यूटन इक्वल टू क्या 95 न्यूटन कहता है इनमें से ये दोनों आपस में क्या 100 न्यूटन और 20 न्यूटन रिजेक्ट हो जाते हैं पीछे आपके पास क्या 70 न्यूटन बच जाता है ये आपका क्या करेक्ट आंसर है जी तो सो ये हमारे पास का आंसर है नेक्स्ट हमारे पास कहता है आगे इसके मजीद बता रहे हैं अगर कहते हैं वो क्या कह रहे हैं कि आंसर 95 आता है कब आते हैं जब ये क्या हो दोनों वेक्टर्स क्या हो पैरेलल हो यानी एक ही डायरेक्शन में हो तो कहते हैं उनको ऐड करते हैं जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो उनको ऐड करते हैं याद रखें जी और अगर आप क्या करते हैं दो वेक्टर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो ठीक है आगे दूसरी साथ मजीद फर्दर एक्सप्लेनेशन ये बता लिखी हुई भी है कहते हैं अगर दो वेक्टर्स के उनका मैग्नीट्यूड कम से कम होते हैं जब क्या हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एंटी पैरेलल है जी तो कहते हैं उस केस में क्या होगा 60 न्यूटन माइनस 35 न्यूटन यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या पास आ जाता है 25 न्यूटन जी कहते हैं कि इधर जो सम है कहते हैं आपके पास द सम कैन नॉट बी लेस देन 25 न्यूटन यानी इसका जो सम है यानी 25 न्यूटन से कम नहीं हो सकता और 95 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता जी तो लिहाजा आपके पास ओनली जो पॉसिबल वैल्यू है वो आपके पास 70 न्यूटन ही करेक्ट है जी यानी दोनों वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड अगर एक ही डायरेक्शन में हो उनको हम ऐड करें तो क्या होता है आंसर आपके पास 95 आते हैं एंटी पैरेलल हो दोनों वेक्टर्स को आपस में करें ऐड तो क्या होता है आपके पास आंसर 25 आता है तो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आपके पास का सम मैक्सिमम जो है वो 95 हो सकता है मिनिमम कितना हो सकता है 25 हो सकता है कहते हैं कि इसमें आप देखें तो ऑप्शन वन 100 न्यूटन है दूसरा 70 न्यूटन है तीसरा क्या 20 न्यूटन यानी ऑप्शन वन 100 न्यूटन नहीं हो सकता पॉसिबल जो मैक्सिमम है वो 95 हो सकता है इन दोनों का और जो मिनिमम है वो क्या हो सकता है 25 हो सकता है जहाँ क्या 20 न्यूटन गिवन है इसका मतलब 70 वाला आपके पास जो ऑप्शन टू है वो आपके पास ऑप्शन क्या है करेक्ट है ये आपके पास आ गया जी क्लियर होगी बात जी इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं मोशन क्लियर हसन समझ में आ गया सर जी ना आए तो आप पूछ सकते हैं जिसकी एक्सप्लेनेशन आगे नेक्स्ट आपके पास कह रहे हैं जी के क्वेश्चन नंबर 15 में सपोज द साइड्स ऑफ ए क्लोज्ड पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर रेंज हैड टू टेयर रूल व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स कहते हैं कि ये आप डायग्राम में कहते हैं कि ये एक क्लोज पॉलीगॉन है वेक्टर्स की अरेंजमेंट बता तो कहते हैं कि इनका सम क्या होगा ठीक है ये आप डायग्राम देखें ये कहते हैं कि पॉलीगॉन है ये ए वेक्टर देन बी वेक्टर सी वेक्टर देन डी वेक्टर देन ई वेक्टर कहते हैं ये जो वेक्टर्स हैं हेड टू टेल रूल का लगाया गया है ऐड किया गया है कहते हैं ये इसकी ओरिएंटेशन है कहते हैं डायग्राम उसके हेड टू टेल रूल और उसकी ओरिएंटेशन देख के बताएं इसका सम किसके बराबर होगा जी तो कहते हैं सिंपल सी बात है जब आप हेड टू टेल रूल लगाते हैं अगर आप पास क्लोज पॉलीगॉन हो कोई भी क्लोज डायग्राम हो तो उसमें हेड टू टेल जो होगा उसमें जितने भी वेक्टर्स को ऐड करेंगे वो क्या होगा हमेशा जीरो के बराबर होगा
क्योंकि हेड टू टेल रूल मैंने बताया है जब आप वेक्टर्स को हमें ऐड करने हैं कुछ हमें रिजल्टेंट अगर लेना हो तो क्या होगा, मैंने बताया था रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है उसका हेड क्या होता है, इट्स हेड कोइंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एंड टेल कोइंसाइड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जब इसमें देखें ये आपका लास्ट वेक्टर है और यहाँ ऐसा नहीं है जी, यहाँ पर क्या हुआ है कि इसका जो हेड है आखिरी वेक्टर पहले वेक्टर टेल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, यानी हेड टू टेल रूल के रूल से हटके हैं, तो ये क्या बना रहे हैं क्लोज पॉलीगॉन बना रहे हैं। जब भी क्लोज पॉलीगॉन बनाएगा उनका सम क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। क्लियर होगी बात जी, सो ये आपके पास इस वजह से। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो चीज आ रही है हमारे पास से तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 20 पे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन 20 पे। तो इसमें देखें अ पिक्चर इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए वॉल बाय टू स्ट्रिंग्स, कहता है कि एक पिक्चर जो है उसको हमने हैंग कराया हुआ है दो स्ट्रिंग की मदद से, तो कहते हैं फॉर विच द टेंशन द स्ट्रिंग इज मिनिमम, कहता है किस में आपके पास जो है टेंशन टी जो है वो मिनिमम होगी, ये क्वेश्चन आपके साथ पूछा जा रहा है। इसमें देखें कि हमारे पास इसमें देखें जो पिक्चर है ये आपके पास हैंग करवाई हुई है, यहाँ देखें दो थ्रेड है ठीक है, इधर टेंशन टी आप अपवर्ड अप कर रही है, तो कहते हैं कि इसको हम क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो कहते हैं कि इसमें आप देखें इसका वेट नीचे की तरफ है और टेंशन टी इधर क्या अपवर्ड है, ज्यादा टेंशन टी अपवर्ड है, इन दोनों टेंशन को अपवर्ड जो अपवर्ड फोर्सेज है ये आप थ्रेड में टेंशन है टी साइन थीटा प्लस आप पास क्या है टी साइन थीटा, इनको ऐड करें ये क्या बन जाएगा टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या डब्ल्यू के बराबर है। अब यहाँ से क्या है कि इधर टी एक साइड पे कर लें और टू मल्टीप्लाई हो रहा है और साइन थीटा ये नीचे जा क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे जी, ये हमारे पास क्या टेंशन टी जो है वो उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला हमने फाइंड आउट किया एक साइड पे। अब कहते हैं अगर आपका एंगल थीटा क्या हो जीरो डिग्री हो जाए, कहते हैं यहाँ अगर हम क्या करते हैं इधर इसके साथ एंगल कितना बनाते हैं जीरो डिग्री बना देते हैं, ये देखें यहाँ हमने इसमें वैल्यूज पुट की जीरो डिग्री पे तो साइन जीरो जीरो होता है, ये इन्फिनिटी हो जाती है टेंशन जी, तो ये पॉसिबल नहीं है जी, इन्फिनिटी मतलब अनलिमिटेड टेंशन बहुत ज्यादा। फिर कहते हैं कि हमारे पास क्या है एंगल थीटा हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर ये 45 डिग्री कर लेते हैं जी, 45 डिग्री पुट करें तो ये देखें पी इज इक्वल डब्ल्यू ओवर टू साइन 45, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या है 0.7 है। और आगे आप देखें फॉर एंगल तीसरे एंगल का ये 90 डिग्री हो सकता है ठीक है, यानी एक आपके पास क्या आता है यूं पैरेलल हो जीरो हो, दूसरा कहता है 45 हो और तीसरा क्या ये 90 डिग्री हो जी, तो कहते हैं अगर 90 डिग्री पुट किया है तो कहता है आपके पास इसका जो टेंशन की वैल्यू है ये 0.5 है, तो लिहाजा इस पता चले मिनिमाइज जो मिनिमम टेंशन होगी वो एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होगी जी, यानी हमारे पास मिनिमम जो टेंशन है वो आपके पास कितनी होगी एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर होगी, ये क्या हो गया आपके पास की मिनिमम टेंशन होगी। एंड नेक्स्ट आपके पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 21, कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट जी, कहते हैं कि क्या कोई बॉडी जो है रोटेट कर सकती है इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स अंडर एक्शन ऑफ इट्स वेट, तो कहते हैं नहीं जी नो बॉडी कांट बी रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बॉडी जो है वो इस तरह रोटेट नहीं कर सकती अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और कहते हैं उसकी वजह क्या है, कहते हैं जी द होल वेट ऑफ द जो बॉडी एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वजह ये है कि इसका सारे का सारा वेट जो है वो बॉडी का उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करते हैं और जो टार्क है ड्यू टू द वेट विल बी जीरो, यानी वेट की वजह से जो टार्क होगा वो जीरो होगा, वजह क्या है उसका मोमेंट आर्म क्या है जीरो है जी, ये देखें जी कहते हैं मोमेंट आर्म जीरो है तो इस वजह से ये रोटेट नहीं करेगा क्योंकि जो बॉडी है कहते हैं बॉडी भी रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी किसी भी
बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ी हो तो क्या वो रोटेट कर सकती है अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट? तो कहते नहीं कर सकती। वजह क्या है? कहते हैं कि बॉडी का सारा वजन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्योंकि एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन पर है द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ बॉडी एक्टिव। तो लिहाजा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे किसी भी वेट जो है वो एक्ट कर रहा होता है। और टॉर्क कहते हैं जी वेट की वजह से क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? उसका मोमेंट आर्म क्या होता है? एक्चुअली जीरो होता है। ये आर की वैल्यू टी इज इक्वल टू आर एफ फॉर्मूला है ना, आर एफ साइन थीटा। अगर कहता आर ही जीरो हो तो फिर वो बॉडी के रोटेट नहीं हो सकती, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पड़ी हुई है और उस पर वहां पर उसका सारा वजन क्या कर रहा है? वेट क्या कर रहा है? उसका एक्ट कर रहा है। लिहाजा मोमेंट आर्म जीरो हो जाने की वजह से बॉडी क्या फिर रोटेट नहीं कर सकती। कैन रोटेट अबाउट इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, यानी वेट के तहत वो फिर बॉडी रोटेट नहीं कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो अगर जीरो ना, जी अगर जीरो के अलावा, जीरो के अलावा कुछ भी हो तो रोटेट करेगा जी? अगर देखें, अगर आर की वैल्यू कुछ होगी तो इसका मतलब वो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर नहीं होगी, उसे कुछ फासले पे होगी। तो डेफिनेटली जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो रोटेट करेगी, उस वक्त उसका टॉर्क मौजूद होगा। कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये वो सेंट्रल पॉइंट है जहां पे कोई बॉडी पड़ी हुई है, कहते हैं वहां से अपने वेट के जरिए असर वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसका आर जीरो है। यानी आपने देखा होगा कि सेंटर से जब बॉडी को फासले पे उठाते हैं, यानी दरवाजा है जो उसका पिवट पॉइंट है, उस पर आप फोर्स उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे दरवाजा है जिसका पिवट पॉइंट है कब्जा जैसे आप कह लें, वहां पे आप फोर्स लगाएं वो रोटेट नहीं करेगा। लेकिन जो जो आप अपना हाथ बॉडी दूर आते हुए दूर ले जा रहे हैं दरवाजे से उसके पिवट पॉइंट से, तो क्या होगा? आप कम फोर्स लगाएंगे क्योंकि उसके आर की वैल्यू बढ़ना शुरू हो रही है। इवन कम फोर्स लगाने के बावजूद भी क्या होगा? दरवाजा या उसमें टार्क पैदा हो जाएगा। सेम लाइक दैट, कहता है अगर कोई बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मौजूद है तो उसके वेट की वजह से वो मूव नहीं करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू ऑफ जो पोजिशन वेक्टर आर है वो क्या जीरो है। इस वजह से क्लियर होगी बात जी? एनी अदर क्वेश्चन? वेट ज्यादा दिया तो, अगर वेट ज्यादा दिया तो हो, कम हो, कुछ भी हो, अगर वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे पड़े हैं, चाहे ज्यादा वेट हो चाहे कम हो, वो रोटेट नहीं करेगा। वजह क्या बताया? आर की वैल्यू है जी। वेट ज्यादा या कम होने की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ कहते हैं आर की वैल्यू जीरो है जी, क्योंकि इसमें आर वेट आपका देखें फोर्स आपका ऐसे वेट काम कर रहे हैं, लेकिन आर की वैल्यू ना होने की वजह से वो क्या रोटेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि टॉर्क के लिए क्या आता फार्मूला? टी इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू टी इज इक्वल टू आर एफ, यानी एक आर आपका पोजीशन वेक्टर है और एफ आपको होगा फोर्स है, फोर्स एज ए वेट काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन आपके पास आर की वैल्यू क्योंकि जीरो है लिहाजा ये बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर पड़ी होगी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो है। इस वजह से आप डियर स्टूडेंट्स ये माशाल्लाह इस वीक के अंदर अंदर, अभी हालांकि वीक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, माशाल्लाह हमने आपका ये चैप्टर टू कंप्लीट कर लिया है, तमाम टॉपिक्स को हमने रिवाइज कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन को हमने रिवाइज कर लिया। कल कोशिश करेंगे, देखते हैं कि आपके न्यूमेरिकल करने हैं या आपके पास एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन आपके उधर ए प्लस से करते हैं, देखते हैं कोई एक को लेकर हम स्टार्ट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट साथ साथ आप भी आप तैयारी शुरू कर लें, इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने नोट्स जो है आपके पास हों, आप एम एम क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया, असाइनमेंट दे दी थी। असाइनमेंट इसमें क्या है कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये बड़ा एम क्वेश्चन है, उसके बाद आगे आए तो स्केलर प्रोडक्ट, इट्स एक्सप्लेनेशन एंड इट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स, its explanation, mean right hand rule also necessary and also express some characteristics of vector product, and aage next aaye to torque ka question bada hai hame, iske baad equilibrium hai, condition of equilibrium hai, lekin ye jo question hai vector addition by rectangular component aur uske baad scalar product and vector product, ye aksar behtar aate rahe hain aur kabhi kabhi torque ka question bhi kya ho jata hai, repeat ho jata hai, ye char questions ke bade hain, main isko lazmi taiyar kare। और शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास हैं एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज ये मस्त तैयार करें। एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो है मस्त, हेड टू टेल रूल क्या होता है सपोज वो आप पूछ लेते हैं, या यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दो, तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है जो एक्सरसाइज में तो नहीं है लेकिन आपने टॉपिक में स्टडी की है
उसके वाले से वो क्या कह लेता है, आपसे पूछ लेता है जी। तो सेम लाइक दैट आपके पास बाकी एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम के पेपर है आपके पास ए प्लस में, वहां से आप उधर से मौजूद है, उधर से आप एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें इंशाल्लाह करेगा, इधर से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और फिर आगे हम इंशाल्लाह ये सर ए प्लस तो कॉलेज में ना। कोई बात नहीं, हम कोशिश करता हूँ मैं कि इसको स्कैन करके आपको इधर इसमें भेज दें ताकि आपको साथ साथ प्रिपरेशन होती रहेगी। मैं कोशिश करता हूँ स्कैन कॉपी करके, मेरे पास क्योंकि ए प्लस पड़ा है तो मैं स्कैन कॉपी करके इंशाल्लाह आपको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में और फिर आप इजीली स्टडी कर सकते हो। क्लियर होगी बात जी? एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। यस सर, बस थैंक यू। तो इंशाल्लाह कल हम मैं आपको शेड्यूल पोस्ट कर दूंगा, फिर कल मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ये वार्निंग देना शुरू हो। इंशाल्लाह सर। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।